गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम लोग कल चौथे पाठ जो फोर्थ लेसन हमारा है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेज पॉलिथिन, इनके टेस्ट को पढ़ा था। साथ ही साथ उसमें दिए गए कठिन शब्दों की मीनिंग को भी हम लोगों ने, अर्थों को भी जो है लिखा था और समझा था। आज हम लोग उस पाठ को पढ़ेंगे और उसका पूरा अनुवाद करते हुए उसके अर्थ को समझेंगे। तो देखें, पाठ का नाम है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेज पॉलिथिन। गार्बेज माने आप जानते हैं कूड़ा करकट कचरा, और पॉलिथिन पॉलिथिन जिसका प्रयोग हम लोग अधिकतर करते हैं थैले के रूप में और अन्य चीज़ों के रूप में। तो यहाँ उन्हीं दोनों की वार्तालाप ये पाठ हम लोगों को शिक्षा देता है। आगे हम बताएंगे लास्ट में हम इससे क्या शिक्षा मिली। पहले आप इस पाठ को पढ़ें। तो देखें, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेज पॉलिथिन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। गर्ल, अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू हीप ऑफ गार्बेज। एक लड़की जो हीप माने होता ढेर, एक लड़की कूड़े के ढेर से बातें कर रही थी। अ गर्ल वॉज टॉकिंग, एक लड़की बात कर रही थी किसे, टू ए हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े कचरे कूड़े के ढेर को से जो है वो बात कर रही है। दोनों के बीच में क्या बात हो रही है उसका वर्णन दिया गया। गर्ल क्या कहती है, लड़की कहती है, हु आर यू, यू स्मेल सो बैड, आई मे फॉल सिक। लड़की पूछती है क्वेश्चन, हु आर यू, तुम कौन हो, यू स्मेल सो बैड, तुम्हारी गंध इतनी बुरी लग रही है, और आई मे फॉल सिक, मैं बीमार पड़ सकती हूं, तुम्हारी गंध इतनी बदबू इतनी दुर्गंध तुमसे आ रही है, बुरी गंध आ रही है कि आई मे फॉल सिक, मैं बीमार पड़ सकती हूं। मिस्टर गार्बेज उत्तर देता है, आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं श्रीमान कूड़ा हूं। देखिए मिस्टर लगा है तो बोलता है मेरा नाम है मिस्टर कूड़ा, मैं मिस्टर कूड़ा हूँ, आई एम फाउंड एवरीवेयर, और इतने नहीं मैं हर जगह मिल जाता हूँ, अर्थात मुझे हर जगह पाया जा सकता है। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह मिल जाता हूँ। गर्ल लड़की पूछती है, यू लुक सो अगली, व्हाट आर यू मेड ऑफ, तुम बहुत ही बुरे स्वरूप वाले दिखलाई पड़ते हो। अगली माने होता भद्दा, तुम बहुत गंदे दिखते हो, बहुत भद्दे दिखते हो, बहुत बदसूरत दिखते हो। व्हाट आर यू मेड ऑफ, तुम किस चीज से बने हो, तुम किस चीज से बने हुए हो, अर्थात किस तुम्हारी रचना तुम्हारा निर्माण किस किन चीजों से हुआ है। व्हाट आर यू मेड ऑफ, तुम किस चीजों से बने हो। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर्स एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, पील्स माने होता है छिलका, मैं सब्जी के छिलकों, वेजिटेबल पील्स माने सब्जी के छिलकों, ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स फटे पुराने कपड़ों से, और सूज जूते, यूटेंसिल्स माने बर्तन, पेपर्स कागज, और इतने नहीं एनीथिंग यूजलेस, और वो सब बेकार की चीजें, दैट यू थ्रो अवे, जिसे आप फेंक देते हैं, तुम लोग फेंक देते हो, दूर फेंक देते हो, उन्हीं सब चीजों से मैं बनाऊ। गर्ल लड़की बोलती है, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। मिस्टर गार्बेज ने उत्तर दिया, डस्टबिन इज माई होम, कूड़ादान मेरा घर है, डस्टबिन इज माई होम, कूड़ादान ही मेरा घर है, यू कैन ऑल्सो पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट, इतने नहीं तुम मुझे एक गड्ढे में भी डाल सकते हो और उसे ढक सकते हो, गड्ढे में डाल करके मुझे ढका जा सकता है, मैं वहां भी रहता हूं, एक तो मेरा घर कौन सा है, कूड़ादान,
और दूसरे कई कई बार मुझे गड्ढे में भी क्या होता है, वहां रखा जाता है, उसे ढक दिया जाता है। गर्ल लड़की बोलती है, देन वाई आर यू हियर? तो बोलती है कि तुम्हें या तो कूड़ेदान में होना चाहिए या तो गड्ढे में होना चाहिए। तुम देन वाई आर यू हियर, तो तुम यहां क्यों हो, यहां क्यों हो? मिस्टर गारेज बोलता है, आई एम हियर बिकॉज पीपुल थ्रो मी एनी वेयर दे लाइक। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि लोग मुझे कहीं भी फेंक देते हैं, जहां उन्हें इच्छा होती है वहीं मुझे फेंक देते हैं। इफ दे पुट मी इन ए पिट एंड कवर इट, यदि वे लोग, ये लोग मुझे किसी गड्ढे में डाल दें और उसे ढक दें, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम, मैं उनके लिए लाभदायी भी हो सकता हूँ, उपयोगी हो सकता हूँ। ये लोग मुझे गड्ढे में डाल करके उसे ढक दें तो क्या है, मैं उनके लिए फायदेमंद भी हो सकता हूँ, उपयोगी हो सकता हूँ। गर्ल लड़की बोलती है, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये किस प्रकार संभव है कि तुम इतने गंदे हो, लोगों के लिए फायदेमंद भी हो सकते हो? हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? मिस्टर गार्बेज कहता है, देयर आई मिक्स विद सॉयल एंड टर्न इन टू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप फॉर यू। वहां मैं, अर्थात गड्ढे में, मैं वहां मिट्टी के साथ मिल जाता हूं, जो गड्ढे में डाला जाएगा, ढक दिया जाएगा, तो मैं मिट्टी के साथ मिल जाऊंगा। आई मिक्स विद सॉयल, तो मैं वहां मिट्टी के साथ मिल जाता हूं और